सब्सक्राइब करें जीसी मैक चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को मेरा न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट का, चैप्टर फर्स्ट का, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका हम क्या करेंगे, इसमें कंप्लीट फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो इसका आपको पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसको एक स्टार्ट करते हैं और सारे फार्मूला को डिस्कस करते हैं एक एक करके। फर्स्ट फार्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन का, फर्स्ट फार्मूला है, इसी से स्टार्ट करते हैं इसको। पहला आपका फार्मूला जो है पीवी इक्वल टू एमआरटी है। तो इसमें सारा टर्म क्या क्या है इसको देख लो। पी आपका क्या हो गया, प्रेशर, बी आपका हो गया वॉल्यूम, एम हो गया मास, और आर हो गया यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, आइडियल गैस कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं इसको, टी हो गया टेम्परेचर। इस इक्वेशन को आदर्श गैस इक्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसका आदर्श से नाम लिया जाता है। चलिए अब इस नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका है आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, चार होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट प्रेशर, उसके बाद आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और पॉलीट्रोपिक। ये तो जितना थर्मोडायनेमिक्स के मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इतना तो होना चाहिए पता। तो एक एक करके इसमें देख लेते हैं। पहले कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ले लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। कांस्टेंट वॉल्यूम को दूसरा और इसका नाम क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखो इसके लिए आपको ये याद रखना है ये कैसे निकलता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, वी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वी आपका कांस्टेंट हो गया। तो उसी के द्वारा ये इक्वेशन निकलता है इसका। अगर आपको पूरा आइडियल गैस इक्वेशन कैसे निकालते हैं जितना भी प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक, उसका नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट, कांस्टेंट प्रेशर, इसको क्या, इसको दूसरा नाम क्या है कांस्टेंट प्रेशर का, आइसोबेरिक प्रोसेस। तो देखो इसके लिए आपको ये याद रखना है, यहाँ पे क्या होता है, आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है आपका, प्रेशर कांस्टेंट होता है इसमें। आप देख लेते हैं आइसो, ये सब निकलता है कैसे, जैसे आप आइडियल गैस इक्वेशन अभी जस्ट बताए उस पे ही निकलता है ये पी वी इक्वल टू एम आर टी। इसी के द्वारा ये सारा आइडियल गैस इक्वेशन निकलता है। तो इसमें जैसे आप कांस्टेंट प्रेशर में क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे, तो ये मास और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो आपका कांस्टेंट होता है, ये क्या बन जाएगा यहाँ से इक्वेशन, अगर दो में लगाएंगे तो ये पी वन टी वन। जैसे दूसरा भी हो, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे के लिए ले लोगे उसको अपॉन कर दोगे, ये वॉल्यूम के लिए हो गया, प्रेशर कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, पी कांस्टेंट हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू। अब देख लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा आपका, टेम्परेचर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, बाकी ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका। उसके बाद देख लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ये वाला मतलब रिलेशन निकल जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, पी बी इक्वल टू गामा, पी बी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत है न्यूमेरिकल में भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर बनता है बहुत, इसी बना दिया उसके बाद पूछ लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों फार्मूला क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत यूज इसका, न्यूमेरिकल में आपको यूज मिलेगा इस दोनों को। अब देख लेते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, पी वी पर पावर एन इक्वल टू सी, ये होता है, सी मतलब कांस्टेंट। तो इसमें भी आपको सेम फार्मूला ये रहेगा, लेकिन
T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1, इस पर क्या हो जाएगा, गामा की जगह क्या हो जाएगा, N-1 अपॉन N। सेम फार्मूला है इसको, ये दोनों अगर एक याद कर लेंगे तो सिर्फ गामा की जगह आपको N पुट करना है, तो दोनों का ये एक याद कर लेंगे दोनों याद हो जाएगा। ये सर आइडियल गैस इक्वेशन जो जितना भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस उसका आपको क्या इसको निकालना आना चाहिए, क्योंकि जितना भी न्यूमेरिकल आप करेंगे तो इस पे कभी क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट का प्रेशर टेम्परेचर दे दिया, दूसरे पॉइंट का प्रेशर नहीं दिया उसको टेम्परेचर दे दिया, वहाँ से क्या कर आपको P2 निकालना होगा। ये इक्वेशन ना याद रहेगा सारा, तो उससे आप इजीली निकाल पाएंगे सारे पॉइंट का वैल्यू, जो भी प्रेशर टेम्परेचर या वॉल्यूम जो भी जिसका भी निकालना हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब देखो जितना भी प्रोसेस है उसका वर्क डन आपको पता होना चाहिए, उससे भी आप जैसे न्यूमेरिकल में पूछ दिया किसी में भी कांस्टेंट वॉल्यूम का वर्क डन निकालना है जितना भी प्रोसेस है, तो इसको देख लेते हैं सारे फॉर्मूला एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में ये देखो इसमें सॉरी फ्रेंड्स, दो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में। ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत बनता है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बनता है ऑब्जेक्टिव में, वर्क डन जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या होता है, जीरो होता है। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, ये सारा क्या है क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का जो वर्क डन का निकालते हैं इस फॉर्मूला से PdV, इससे निकलता है अपना। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपका क्या हो जाएगा वर्क डन, PV2P, ये हो जाएगा फॉर्मूला वर्क डन इक्वल टू P V2-V1, P V2-V1 ये ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन का फॉर्मूला। अब देख लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का, ये बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और कंफ्यूज भी करता है ये बार बार, इसलिए इसको आपको करना क्या है याद कर लेना। देखो इसके लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू CLn V2/V1 इक्वल टू CLn P2/P1, इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख लो सी जो है आपका, सी की जगह MRT यूज कर सकते हैं, उसके बाद P1 V1 भी यूज कर सकते हैं, P2 V2 भी। तो मेन आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, CLn V2/V1, पी के फॉर्म में क्या हो जाता है ये P1/P2। ऐसे थर्मल प्रोसेस में ये जब आप आइडियल गैस इक्वेशन निकालेंगे ना वहाँ पे भी जैसे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 था, तो उसी के रिलेशन पे ये इस इक्वेशन पे ये लिख सकता है। और सी का वैल्यू क्या करना है MRT, या फर्स्ट पॉइंट पे जैसे कोई भी प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जैसे 1.1 से 2 की ओर जा रहा है 0.2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला सी दोनों पॉइंट जैसे फर्स्ट पॉइंट P1 V1 P2 V2 दोनों जगह, तो ये आप इसमें सी सी इक्वल टू P1 V1 और P2 V2 दोनों यूज कर सकते हैं। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर ये तो हो गया, अब एडियाबेटिक प्रोसेस का देख लेते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस तो पता चल गया P V/P, ये भी है पर पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, P1 V1-P2 V2/γ-1, इम्पोर्टेंट है इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी P V2/N इक्वल टू कांस्टेंट, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इसको फॉलो करता है। तो देखो ये एडियाबेटिक प्रोसेस P V P V/γ इक्वल टू कांस्टेंट, ये कभी कभी इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आप याद कर लेंगे। और न्यूमेरिकल जितना भी वर्क डन निकालना होगा इसका बहुत यूज होगा इस, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया।
सेम फार्मूला होता है। एडियाबेटिक का आप याद कर लेंगे तो पोलिट्रोपिक प्रोसेस का भी, सिर्फ इसमें क्या करना है, यहाँ गामा यूज होता था तो गामा माइनस वन, इसमें क्या पी वन बी वन माइनस पी टू बी टू अपन एन माइनस वन, वहाँ गामा माइनस वन होगा, यहाँ एन माइनस वन हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट फार्मूला है आपका, देखो हीट का देख लेते हैं। हीट इक्वल टू क्या आता है, एम सी डी टी। देखो हीट इक्वल टू एम सी डी टी, यहाँ पे वेयर क्यू क्या है आपका, हीट हो गया, सी हो गया स्पेसिफिक हीट, उसके बाद एम हो गया आपका मास, उसके बाद डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो स्पेसिफिक, नेक्स्ट फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट रेशियो, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं। तो इसकी ये क्या होता है, गामा इक्वल टू सी पी अपॉन सी पी, ये इंपॉर्टेंट आप याद कर लेंगे इसको, क्या है कि एडियाबेटिक इक्वेशन पे जब भी सॉल्व करेंगे इसका बहुत यूज होता है। अब एक और फॉर्मूला है सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, इसको भी याद कर लेंगे। उसके बाद एक देख लेते हैं एयर में, एयर में स्पेसिफिक हीट रेशियो जो होता है वो कितना होता है, उसका वैल्यू 1.4। जितना भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप इसका वैल्यू बहुत हीट होता है, तो इसको याद कर लेना। और सी पी 1.005 किलो जूल पर के जी केल्विन, और सी बी हो गया 0.728 किलो जूल पर के जी केल्विन, आर का 0.287 किलो जूल। ये सारे जितना भी है सबका ऐसा यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर के जी केल्विन, ये याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस जगह से बनता है, जैसे दे दिया सी पी का वैल्यू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका वैल्यू कितना होता है, उसके बाद सी बी पूछ दिया, कभी गामा का वैल्यू कभी पूछ दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है अब देखो ओपन सिस्टम का जो वर्क होता है उसको, ओपन सिस्टम का वर्क जो फाइंड करते हैं हम इससे निकालते हैं। जब भी इस डेरिवेशन आप फाइंड करोगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू पी डी बी, और जब सॉरी फ्रेंड्स ये गलती हो गया, इसको आप ठीक कर लेंगे। ये किसके लिए हो जाएगा, ये क्लोज सिस्टम के लिए हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओपन सिस्टम के लिए। ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन जो होता है माइनस बीडीपी होता है, इससे वर्क डन फाइंड करते हैं। ये इसको क्लोज सर्किल कर लेंगे, ये क्लोज्ड सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम के लिए माइनस बीडीपी। उसके बाद फर्स्ट लॉ, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल के लिए आपको क्या याद रखना है, समेशन ऑफ हीट इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क, बराबर होता है साइकिल के लिए। इसमें और याद रखना है जो साइकिल होता है डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू, तो ये हो गया। उसमें जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल रहेगा तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। जितना भी फार्मूला हम बता रहे हैं सारे न्यूमेरिकल लॉ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पेपर में तो इस सारे फार्मूला का आपको यूज मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी दो हीट ट्रांसफर देख लेते हैं सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक एक करके। पहले देख लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू इक्वल टू इंटीग्रेशन टी वन टी टू सी बी टी टी, ये याद करना है आपको सी बी टी टी। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर के लिए देख लेते हैं, डेल एच इक्वल टू इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू सी पी डी टी, ये हो गया। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर के लिए एच इक्वल टू, इसको आपको याद करना है बहुत इंपॉर्टेंट है,
कभी कभी क्या होगा, जैसे एच निकालने बोल देगा सी बी और डी टी दिया रहेगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट, दोनों याद करना। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए यू इक्वल टू सी बी डी टी, ये भी याद करना। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देख लेते हैं हीट। आइसोथर्मल में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, वो हीट जो होता है वर्क के बराबर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये इंपॉर्टेंट है। एडियाबेटिक के लिए देख लेते हैं, एडियाबेटिक को हम ऐसे डिफाइन करते हैं जिसमें कि हीट का ट्रांसफर ही नहीं हो, इसलिए डेल क्यू यहाँ पे जीरो होता है। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का देख लेते हैं, हीट क्या होता है, पी वन बी वन माइनस पी टू बी टू अपन एन वन, ये तो आपका हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क, ये हो गया आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क हो गया। उसके बाद इन टू लगा के ये गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन, ये याद करना है। वर्क तो आपको याद ही होगा, पहले बता चुके हैं, इतना सा याद करना है इसको, जिससे क्या हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हीट निकल जाएगा। तो ये सारा हीट ट्रांसफर था थर्मोडाइनमिक, जितना हीट कैसे ट्रांसफर था थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में, ये फॉर्मूला था। इसको आप इसको याद करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब तक ये याद नहीं रहेगा न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं। नेट फॉर्मूला है, अब देखो नेट फॉर्मूला आपका इनथेरेपी है, इनथेरेपी को किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं इनथेरेपी को। वो फॉर्मूला इक्वल टू एच इक्वल टू कितना होता है, यू प्लस पी बी, यहाँ पे जितना भी टर्म है आपको पता होगा, एच हो गया आपका इनथेरेपी, यू हो गया इंटरनल एनर्जी, पी हो गया प्रेशर, बी हो गया वॉल्यूम। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं इसको भी। गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू सी बी, ये पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट निकालोगे ना, जब जैसे स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, उसी तरह पॉलीट्रॉपिक का भी होता है, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद करोगे तो यहाँ से पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इस पर आप जितना भी इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका फॉर्मूला पहले देखने में लग रहा है बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत ईजी है। देखो क्या होता है, पहले फॉर्मूला एच वन प्लस सी वन स्क्वायर अपन टू प्लस जी जेड वन प्लस क्यू वन टू इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर प्लस टू प्लस जी जेड टू प्लस डब्ल्यू वन टू, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे थर्मोडाइनमिक्स, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल बनता है तो यहाँ से न्यूमेरिकल दो तीन क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो सी वन क्या है, वेलोसिटी, सी जो होता है यहाँ वेलोसिटी है, किसी जब भी आप बुक में सॉल्व करेंगे वहाँ वी वन वी भी दिया रहेगा। जब इसका न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, सी वन अपॉन वन, इसको सी अपॉन जब 1000 से इसको डिवाइड करना है, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला पे तभी वो वैल्यू एक्यूरेट आएगा। यहाँ पे आपका एक एक करके चीज देख लेते हैं, एच क्या है, इंथैल्पी हो गया, सी क्या है आपका वेलोसिटी है, जेड वन डेटम होता है वो दिया हुआ रहता है, उसके बाद क्यू आपका हीट हो गया वन टू प्रोसेस के लिए, वही सेम दूसरा प्रोसेस के लिए हो जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पे ये वर्क डन है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आप कम ये कम कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्यू वन क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एच वन माइनस एच टू प्लस सी टू स्क्वायर अपन टू माइनस सी वन स्क्वायर अपन टू प्लस जी जेड टू माइनस जी जेड वन। देखो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये जब भी पैरेलल रहता है, तो जेड जब भी पैरेलल कंडीशन में जब होगा तो वहाँ पे क्या होता है, जेड वन इक्वल टू जेड टू होता है, तो ये वाला जेड वन इक्वल टू जेड टू होता है, तो ये क्या होगा, जी वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा ये दोनों साइड से। उसी तरह रिड्यूस क्या होता है, जब भी आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का अप्लीकेशन देखेंगे तो उसमें सारे अलग अलग टर्म होता है, जैसे देख लेते हैं फर्स्ट नोजल का देख लेते हैं, जब नोजल का एग्जिट वेलोसिटी फाइंड करेंगे
एग्जिट वेलोसिटी जैसे फाइंड करेंगे नोजल का, तो यहाँ पे इसके में कंडीशन क्या होता है, ये हॉरिजेंटल कंडीशन लेते हैं इसमें। तो देखो नोजल का एग्जिट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल मतलब आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट फार्मूले पे रख के उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आता है फार्मूला, देखने में बहुत लेंदी लग रहा है लेकिन ईजी है। देखो 1/(1-a₂c₁)/(a₁c₂) पर पावर स्क्वायर, उसके बाद √(2)h₁ - h₂। ये हो गया आप एग्जिट वेलोसिटी नोजल का फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या होता है, केस होता है जब, क्या होता है एग्जिट इनलेट वेलोसिटी क्या होता है जब इनलेट वेलोसिटी क्या होता है, जब जीरो होता है तब एग्जिट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2√(2)h₁ - h₂) इसी को ये हो जाएगा। जब एच को आप ब्रेक कर लोगे तो √(2)CP(T₁ - T₂), क्योंकि एच बराबर वहाँ बताया था ना CP T होता है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे और आप कंटिन्यूटी इक्वेशन ऐड कर लेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या होता है वो a₁ b₁ = a₂ b₂। इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत जरूरत पड़ेगा, तो इसको इसलिए हम यहाँ पे लिखा दीजिए, इसको भी ऐड कर लेंगे इसमें आप। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला है आप देखो, ये जितना भी है स्टडी प्लान एनर्जी इक्वेशन का क्या है, सारा एप्लीकेशन है ये, जितना भी बता रहे थे सारा एप्लीकेशन। पहले देख लिए नोजल के लिए, अब टरबाइन के लिए। टरबाइन में क्या होता है, जैसे पहले हॉरिजेंटल भी देगा इसका, जब आप इसको डिराइव करेंगे इसको तो उसमें पता चल जाएगा, डेरिवेशन भी एक एक करके जितना भी हम सारे फॉर्मूला को धीरे धीरे इसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। यहाँ पे जेड नेग्लेक्ट किया था, Z₂ हो जाता है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों नेग्लेक्ट होता है इसमें। तो ये क्या होता है, क्यू भी हीट भी क्या होता है, इसको क्या मानते हैं, एडियाबेटिक सिस्टम मानते हैं, इसलिए हीट भी रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला टरबाइन का वर्क डन का निकलता है, W=H₁ - H₂ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कंप्रेसर, कंप्रेसर पे क्या हो जाएगा, W=H₂ - H₁, सेम इसमें भी होता है, जितना भी कंडीशन होता है इसमें भी होता है। इसको भी डिराइव करेंगे तब इसमें क्लियर पता चलेगा। तो अभी फिलहाल इस फॉर्मूला का सेशन है इसलिए इसमें सिर्फ फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंप्रेसर के लिए आपको वर्क डन क्या करना है, H₂ - H₁। टरबाइन में क्या होता था, H₁ - H₂, वो कंप्रेसर में H₂ - H₁। अब थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है इंथैल्पी जो एग्जिस्ट और इनलेट पॉइंट पे क्या होता है सेम होता है, वही याद रखना है आपको। ये है H₁, ये H₂ यहाँ पर होगा। तो ये क्या होगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए H₁ एग्जिस्ट और इनलेट और एग्जिट पॉइंट पे क्या होता है इंथैल्पी सेम होता है, ये याद रखना है थ्रोटलिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका गिब्स फेज रूल। ये इसको याद करना है कभी कभी क्या, अब जब आप कंपिटेटिव एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। गिब्स फेज रूल क्या होता है, P+F=C+2, इसको याद करना है। यहाँ पे P आपका क्या है, फेज है, फेज कितना होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसे तो फेज 5 होता है लेकिन मैंने इसमें यहाँ 3 ही है, सॉलिड लिक्विड और गैस। उसके बाद F क्या हो गया आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद C हो गया नंबर ऑफ कंपोनेंट। कभी कभी क्या होता है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने दे देता है, तो इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कैसे, इसको जैसे क्या होगा न्यूमेरिकल में, जैसे कंडीशन ये देख लो एक दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक इफ ओ टू एंड एन टू दो गैस दिया हुआ, कंसिडर दो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कम नंबर ऑफ कंपोनेंट 2। और फेज सपोज किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है बोले, उसका फेज दिया हो 2, फर्स्ट
फॉर्मूला पर रख लेते हैं, कंपोनेंट दिया हो वन तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, एफ इक्वल टू वन। यहाँ से इस तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट भी इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन कंपेरेटिव एग्जाम ऑफ पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, टेम्परेचर कन्वर्सन का भी फार्मूला है, इसको भी याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा आपको फेरनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना रहता है। तो ये फार्मूला आप याद करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, सारा इससे कंप्लीट हो जाएगा सारा। देख लो यहाँ पे टी डिग्री, टी क्या है आपका, डिग्री टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, एफ हो गया फेरनहाइट, और टी के क्या हो केल्विन में, ये क्या होता है टी अपन फाइव इक्वल टू एफ माइनस 32 अपन 9 इक्वल टू टी के माइनस 273.15 अपन। ये देखो ये फॉर्मूला है टेम्परेचर कन्वर्सन का, कहीं से भी आप जा सकते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस से आप जैसे केल्विन में निकालेंगे, डिग्री सेल्सियस दिया होगा केल्विन, ये फार्मूला आप यूज करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट टी अपन फाइव इक्वल टू टी के दिए हुए केल्विन को डिनोट करने के लिए और कुछ नहीं, इसका 270 टी माइनस 273.15 अपन फाइव। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, वैसे भी डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ 273 ऐड कर देते हैं, 273.15 भी ऐड करना है क्योंकि ये एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट फार्मूला है, बस इतना ही था फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।